स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 मेजरमेंट बताऊंगी। मेजरमेंट में पहले हम देखेंगे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। इसमें हम लोग लंबाई नापेंगे, लेंथ कितना है वो। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 1 मीटर, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपका एक्सरसाइज 3A है, वो आपका बुक वर्क ही है। यूजिंग द रूलर ड्रॉन फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स। रूलर ड्रॉन मतलब स्केल से आपको मेज़र करना है, जो कलर पेंसिल का दिया गया है उसको हम लोग मेज़र करेंगे। मेज़र करके जितना वो सेंटीमीटर में आता है उसको हम लोग इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। तो आपका ये सेंटीमीटर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग स्केल को इस तरीके से रखेंगे यहाँ से। तो पेंसिल का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर है स्पून का दिया गया, स्पून का कितना लेंथ दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। और इसको मेजरमेंट भी करेंगे, देखो ऐसे करके स्केल से यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा 12 सेंटीमीटर आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर है पेन का, पेन कितने सेंटीमीटर का है 9 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 9 के पास डॉट डॉट दिया गया है रेड से, यहाँ पे हम लोग 9 से पेन की लंबाई कितना है 9 सेंटीमीटर। फिर है इरेजर, इरेजर की लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये देखो 1 2 3। तो सेंटीमीटर जब हम मेज़र करते हैं तब हम यहाँ से करेंगे, जहाँ पे आपके स्केल में 0 बना रहेगा वहाँ 0 से जहाँ तक आपको मेज़र करना है वहाँ तक करना है। जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो हम स्केल में 0 to 3 सेंटीमीटर देखेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे 3 सेंटीमीटर, तो इरेजर का लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर। अब है टिक द करेक्ट यूनिट विच स्टैंडर्ड यूनिट विल यू यूज टू मेज़र। अब इसकी हाइट मेज़र करना है, तो वहाँ पे टिक लगाना, जो सेंटीमीटर में होगा उसको सेंटीमीटर में टिक लगाएंगे, जो मीटर में होगा वो मीटर में टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग का दिया गया है, मतलब ये मीटर में है। ज़्यादा चीज़ों का लंबाई नापना होगा तो वो उसे हम मीटर कहते हैं, यहाँ पे हम मीटर में टिक लगाएंगे। द हाइट ऑफ योर टेबल, टेबल का हाइट कितना होगा मेज़र भी कर सकते हैं, छोटा सा है तो यहाँ पे सेंटीमीटर। फिर द लेंथ ऑफ योर ब्रश, टूथब्रश का सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए बुक, ये भी आपका सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ योर हाउस, तो ये आपका मीटर में होगा। इस तरीके से आपको मीटर जो मीटर में है वो उसको मीटर में टिक लगाना है, जो सेंटीमीटर में है वो सेंटीमीटर में टिक लगेगा। अब है यूजिंग ए रूलर मेजर द लेंथ ऑफ ए फॉलोइंग लाइंस। ये जो आपका ए बी का जो लाइन बना हुआ है इसको हमको मेज़र करके लिखना है। तो यहाँ पहले वाला आपका किया हुआ है ए बी इज़ 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो ये जो लाइन आपका है ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 सेंटीमीटर। अभी हमको बी वाला करना है, पी से क्यू तक का मेज़र करना है। तो P से Q आपका कितना सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, 6 लिख देंगे सेंटीमीटर्स लॉन्ग। फिर है C XY, XY कितना है आपका, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर। फिर D है LM, तो ये आपका कितना सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। तो LM इज़ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हम लोग एक्सरसाइज 3B करेंगे। इसमें आपका कुछ एडिशन है और कुछ सब्ट्रैक्ट है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे एक आपका एग्जांपल डन किया हुआ है, मतलब बना दिया गया है, हम लोग इसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। ये भी आपका बुक वर्क ही है। यहाँ पे देखो मीटर और सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर मतलब 10 है और मीटर 83, मतलब 83 मीटर 10 सेंटीमीटर। उसके जस्ट नीचे कितना है 62 मीटर 30 सेंटीमीटर। इसको हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन दिया गया है। तो ये 0, 3 + 1 आपका 4, तो ये आपका सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग मीटर को प्लस करेंगे, 3 + 2 आपका 5, 8 + 6 आपका 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 145 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब जो सेकंड वाला देखो माइनस करना है, तो 5 में से 0 माइनस होगा तो 5 भी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 5 है नीचे 0 है, तो हम 5 लिख देंगे। फिर 4 - 2 आपका 2 आएगा, तो ये आपका सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे मीटर। 5 - 1 4, 2 - 1 1। फिर आपका सी वाला है प्लस,
5 + 8 9 10 11 12 13 हुआ ये आपका कैरी यहाँ पे लिखा गया। 7 + 1 कितना हो गया 8 कैरी 1 9 93 सेंटीमीटर। अब हम लोग मीटर में करेंगे 9 + 1 0 10 हो जाएगा कैरी 1 3 + 2 5 + कैरी 1 6 1 1 1 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं था कैरी भी नहीं था इसलिए डायरेक्ट 1 को लिख देंगे। तो 160 मीटर 93 सेंटीमीटर। फिर डी है 5 - 2 3 9 - 3 आपका 6 सेंटीमीटर हो गया मीटर। 8 - 4 आपका 4 आ जाएगा 5 - 2 3 34 मीटर 63 सेंटीमीटर। फिर ई वाला फिर से प्लस है 5 + 3 8 6 + 4 आपका 10 0 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 9 + 5 14 + 15 मीटर 9 + 3 10 11 12 13। फिर क्वेश्चन नंबर एफ 2 + 0 2 9 + 3 10 11 12 का 2 कैरी 1 7 + 8 1 8 4 + 1 5 जी का 6 2 + 3 2 + 1 3 4 + 8 12 9 10 11 12 1 1 कैरी 1 आपका 3 32 मीटर 36 सेंटीमीटर 9 10 ये आपका देखो 5 45 है नीचे 58 है तो ये आपका कैरी वाला है ये आपका 15 हो जाएगा तो यहाँ से आपको 3 बोरो करना पड़ेगा मतलब 1 बोरो करके इसको हम 15 बनाए तो ये 3 हो गया। फिर यहाँ से जाएगा ये आपका 9 हो जाएगा तो ये 13 हो जाएगा तो ये आपका 2 15 में से 8 - 9 10 11 12 13 14 7 13 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 9 - 5 आपका क्या हो जाएगा 4 और 2 - 1 तो ये आपका 3 - 1 हो जाएगा 2 5 - 5 0 ये आपका 10 हो गया यहाँ से हम लोग बोरो किए तो 12 10 - 8 2 सेंटीमीटर 12 - 9 10 11 12 7 - 2 5 4 - 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा 23 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसको आप लोग बुक में करिएगा बुक कंप्लीट करके मुझे सेंड करिएगा।